एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर नाना गणेश आचार्य और राखी सावंत को दी बद्दुआ। कहा कि उनके परिवार और बच्चों का भी यही हाल होगा। तनुश्री दत्ता ने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर यौन शोषण का किस्सा दुनिया के साथ शेयर किया था। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में, कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे। मुंबई की जनता ने फिल्म की खूब तारीफ की। एक नंबर झकास, एक नंबर भरपूर, एकदम एंजॉयफुल। कंगना रनौत की मणिकर्णिका भी लोगों को खूब पसंद आई। इस फिल्म के साथ कंगना पहली बार डायरेक्टर बनी है। मणिकर्णिका वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी लगी। करण जौहर ने एक नए बयान में एक्सप्लेन किया कि किस तरह के लोगों को कॉफी विद करण देखनी चाहिए। करण ने कहा कि गहरे सोच रखने वाले लोग इस शो को बिल्कुल ना देखें। करण ने ये दुख जताया शो के कंट्रोवर्सीज के कारण। ये लव स्टोरी बनाना चाहेंगे करण जौहर। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे करण जौहर। उन्होंने अपने बातचीत में कहा कि वो अपनी नई फिल्म तख्त के बाद एक गे लव स्टोरी का निर्देशन करना चाहेंगे। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने मुंबई में अंगार लगा दिया। उनकी फिल्म गली बॉय का धमाकेदार म्यूजिक कॉन्सर्ट मुंबई में हुआ। रणवीर सिंह की सुपर डुपर एनर्जी ने जीत लिया सभी का दिल। रणवीर सिंह का स्टारडम रणबीर कपूर से बड़ा है, ऐसा कहना है करण जौहर का। करण ने स्विट्जरलैंड में एक इवेंट पर कहा कि रणवीर सिंह उनके फेवरेट एक्टर है और उन्हें रणबीर की एनर्जी रणबीर कपूर और वरुण धवन से भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सैकड़ों लोगों के सामने आलिया भट्ट ने उड़ाया खुद का मजाक। अपने फेमस जनरल नॉलेज सवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बोली आलिया, मुझमें एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है, कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। सलमान खान की हाईली अवेटेड 2019 रिलीज भारत का ऑफिशियल टीजर आज रिलीज हुआ। 1.5 मिनट के टीजर ने रोंगटे खड़े कर दिए। टीजर ने फिल्म को देखने की उत्सुकता और बढ़ा दी है। सलमान खान की फिल्म भारत के टीजर में नहीं दिखी उनकी को स्टार कटरीना कैव। इसकी वजह आई सामने। मेकर्स फिलहाल कटरीना के लुक को सीक्रेट रखना चाहते हैं। मेकर्स कटरीना के कैरेक्टर को फिल्म के ट्रेलर में ही इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ट्रेलर कुछ ही महीनों में रिलीज होगा।